लोकसभा में बुधवार को यूपी की बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश में हो रहे गैंगरेप का मामला भी उठा। सांसदों ने सदन में इस विषय पर चर्चा की मांग की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस मांग का समर्थन किया। नकवी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। नकवी बोले कि अगर सदन चाहता है तो इस मुद्दे पर बहस हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। माया ने कहा कि हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर केंद्र सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या केंद्र सरकार ने समाजवादी पार्टी के साथ साठगांठ की हुई है? गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा बुधवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इसके बारे में जानकारी दी। बैठक खत्म होने के बाद नायडू ने बताया कि आनंदीबेन जी आज राजभवन जाएंगी और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सीएम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं है, पार्टी चाहती है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व करें। नए सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी और सरोज पांड्या को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, वे दोनों गुजरात जाएंगे और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद ही नए सीएम के नाम पर फैसला होगा। गौरतलब है कि आनंदीबेन ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए फेसबुक पर इस्तीफे की घोषणा की थी। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में आप पार्टी अपनी पकड़ खोती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि अगर इस वक्त गुजरात में चुनाव हुए तो पार्टी को विधानसभा की 182 में से 60 से 65 सीटों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ने राज्य में दलित आंदोलन के बाद ये सर्वेक्षण करवाया। सर्वे के लिए संघ प्रचारकों ने लोगों से फीडबैक लिया। सर्वे में ये भी सामने आया है कि ऊना की घटना के बाद दलितों ने बीजेपी से दूरी बना ली है। पाटीदार आरक्षण और दलित आंदोलन की वजह से पार्टी की छवि को इतना नुकसान पहुंचा है कि 2017 के चुनावों में बीजेपी का 18 सीटों पर भारी अंतर से चुनाव हारना तय है। हालांकि आरएसएस ने ऐसे किसी भी सर्वे की बात से इनकार किया है और कहा है कि बीजेपी खुद ऐसे सर्वे करवा सकती है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आजम खान पर विवादित ट्वीट किया है। आईपी ने ट्वीट किया है कि मियां आजम खान की बेटी और बीवी से गैंगरेप हो जाए तब आजम खान की आंख खुलेंगी। बुलंदशहर हाईवे पर 12 साल की बेटी मां के साथ गैंगरेप पर ऊंची बात कही। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में कहा था कि हमें इस तरह के संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं कोई विपक्षी विचारधारा जो सत्ता में आना चाहती है सरकार को बदनाम करने के लिए कोई कुकर्म तो नहीं कर रही है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है और विपक्ष सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। बुलंदशहर में 29 जुलाई की रात माँ बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, इसके पीछे राजनीति साजिश हो सकती है। सत्ता की लोभी कई पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को 1998 में जोधपुर में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में बरी करने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार सलमान खान के मामले में गुण अवगुण पर अवलोकन कर रही है। सरकार ने न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट 25 जुलाई को दिए गए फैसले में भवाद और मथानिया में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में सजा के खिलाफ सलमान की याचिका को स्वीकार कर उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था। कोंकण में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के चलते रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा हाईवे पर एक पुल टूट गया। इस हादसे में कुछ गाड़ियां बहने की वजह से 22 लोगों के बह जाने का अंदेशा है। पुल टूटने के बाद एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटा है। एनडीआरएफ की प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की है। आपको बता दें कि ये पुल ब्रिटिश काल में बना था। दरअसल इस जगह पर आसपास दो पुल है। जो पुल टूटा है उसका इस्तेमाल गोवा से मुंबई के ट्रैफिक के लिए किया जाता है, दूसरे पुल का इस्तेमाल मुंबई से गोवा जाने के लिए होता है। हादसे के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस को जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद से ही सीएम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हाईवे पर पुल बहने के बाद एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटा है।
यूपी में कांग्रेस को मुकाबले में खड़ा करने की रणनीति के तहत मंगलवार को सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में जबरदस्त रोड शो किया। हालांकि तबीयत खराब हो जाने की वजह से वे इसे पूरा नहीं कर सकी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका शुरुआती इलाज हुआ। इसके बाद देर रात करीब 11:30 बजे उन्हें चार्टर्ड विमान से दिल्ली लाया गया, जहां प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पहले से मौजूद थे। वाराणसी में सोनिया गांधी को 8 किलोमीटर के रोड शो में लोगों का भरपूर समर्थन मिला। सड़कों पर उमड़े हुजूम के बीच सोनिया का काफिला जिधर से गुजरा, उधर लोग पटरियां पर फूल माला लेकर पलक पावड़े बिछाए मिले। पश्चिम बंगाल राज्य का नाम जल्द ही बदल सकता है। राज्य कैबिनेट ने सोमवार को इसके लिए सहमति दे दी है। प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल नाम से वेस्ट को हटाना चाहती है, इसलिए नया नाम अंग्रेजी में बंगाल और बंगाली में बांग्ला या बंग रखा जा सकता है। प्रदेश सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विषय पर चर्चा की जाएगी, तब तक अंग्रेजी नाम को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश का नाम बदलने के पीछे अंग्रेजी की वर्णमाला की वजह है और ये नई मांग नहीं है। आपको बता दें कि साल 2011 में वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंग करने पर रायशुमारी कार्रवाई की गई। इसके लिए प्रदेश में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। सऊदी अरब में अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हजारों भारतीयों के हालात का जायजा लेने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जेद्दा पहुंचे। वहां वे स्वदेश वापसी के इच्छुक भारतीयों के लिए औपचारिकताएं पूरी करेंगे। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने सऊदी अरब के राजदूत सऊद बिन मोहम्मद अल साती से मुलाकात कर भारतीयों की स्थिति पर चर्चा की। अकबर ने मंगलवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, सऊदी सरकार की ओर से भारतीय कामगारों और अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि खाड़ी में अर्थव्यवस्था के चरमराने से सऊदी अरब में हजारों भारतीयों की नौकरी चली गई है। आर्थिक तंगी के कारण भोजन खरीदने में असमर्थ लोगों को भारतीय मिशन ने भोजन उपलब्ध करवाया। बुलंदशहर कांड की सनसनी अभी थमी नहीं कि बरेली में भी दिल्ली हाईवे किनारे एक निजी स्कूल की शिक्षिका से 3 दरिंदों के अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। जब शिक्षिका स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, तभी बीच रास्ते से वैन सवार 3 युवकों ने उसका अपहरण कर परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के आगे खेत के पास ले गए और वहाँ वैन में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपियों ने फोटो भी खींच लिए। डरी सहमी शिक्षिका घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत सीबीगंज थाने की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव विशाल यादव की सजा बढ़ाने और पेरोल नहीं दिए जाने की मांग की है। सरकार ने शपथ पत्र के साथ यूपी सरकार से बदायूं में चल रहे एक मुकदमे में पेश नहीं होने की मिली रिपोर्ट और तिहाड़ से पेशी के लिए जाने की रिपोर्ट, तिहाड़ जेल में इनके व्यवहार से जुड़ी रिपोर्ट भी लगाई है। दिल्ली सरकार के अनुसार यूपी के बदायूं जिले में चल रहे एक मुकदमे में पेशी को लेकर विकास यादव और विशाल यादव बार बार यूपी जाते थे। ऐसी सूचना थी कि ये वहां पेश होने के नाम पर मौज उड़ाते हैं। डीटीसी बसों के बेड़े में और बसें जोड़ने में केजरीवाल सरकार भले ही नाकाम रही हो, लेकिन अब सरकार फीडर बसों की नई योजना लेकर आने वाली है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डीटीसी के जरिए फीडर बस चलाने की तैयारी कर रहा है। दलील ये है कि ये बसें उन इलाकों तक लोगों को सफर की सुविधा मुहैया कराएगी जहां अभी डीटीसी बसें नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली सरकार ऐसी 1000 बसें लाने की तैयारी कर रही है। ये बसें मौजूदा लो फ्लोर बसों से छोटी होंगी और भीड़ भरे और संकरे रूट पर चलाई जा सकेंगी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस योजना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रक्रिया में करीब 8 महीने लगते हैं, लेकिन नई फीडर बसों की सुविधा दिल्ली वालों को जल्द से जल्द मिल सके, इस बात को ध्यान में रखकर फीडर बसों को खरीदने और उन्हें सड़क पर उतारने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। ये प्राथमिकी 8 अप्रैल 2014 को धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए शिक्षा विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में दर्ज की गई है। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने धर्मशाला कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए चार्ज और लंबित आपराधिक मामले को भी खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा ने HPCA और अनुराग ठाकुर की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राथमिकी और चालान में कहीं भी ये प्रतीत नहीं होता कि कोई अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत किया गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री का चुनाव आज होने जा रहा है। इस चुनाव में माओवादी सुप्रीमो प्रचंड का भारी बहुमत से जीतना तय है। मंगलवार को हुए नामांकन दाखिल में सिर्फ प्रचंड ने ही उम्मीदवारी पेश की है, लेकिन पीएम पद हासिल करने के लिए प्रचंड को संसद में बुधवार को होने जा रहे मतदान प्रक्रिया में अपना बहुमत साबित करना होगा। 84 सीटों के साथ नेपाल की संसद में तीसरे नंबर की पार्टी माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड को सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कांग्रेस के 2007 सांसदों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा मधेशी दलों के 56 राजतंत्र समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 35 सहित करीब 400 सांसदों का समर्थन मिलना तय है। केपी ओली की सरकार में मुख्य साझेदार रहे माओवादी ने हाल ही में समर्थन वापस लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। रियो ओलंपिक के शुरू होने से पहले भारत को लगातार झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक भारतीय एथलीट डोपिंग के दंग का शिकार हो रहे हैं। 200 मीटर दौड़ के धावक धर्मवीर सिंह नाडा द्वारा लिए गए डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण धर्मवीर सिंह रियो के लिए उड़ान नहीं भर सके। हालांकि नाडा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर एथलेटिक्स फेडरेशन को इस बारे में सूचित नहीं किया है, लेकिन वे मान रहे हैं कि ये डोपिंग है। रियो जाने वाले धर्मवीर इकलौते पुरुष धावक है। धर्मवीर हरियाणा के रोहतक से आते हैं। इस साल जुलाई में बंगलुरु में हुए इंडियन ग्रांड प्री एथलेटिक्स इवेंट में धर्मवीर ने 20.50 सेकंड के ओलंपिक मार्क को 20.45 सेकंड में पूरा कर लिया था। 2015 में 21वें एशियन चैंपियनशिप के दौरान धर्मवीर ने 22.66 सेकंड की टाइमिंग के साथ मशहूर धावक मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था। जमैका टेस्ट के चौथे दिन ही भारत को बड़ी जीत की सुगंध मिल गई थी, लेकिन बारिश ने टीम इंडिया का काम बिगाड़ दिया। चौथे दिन बारिश ने लगभग 1.5 घंटे का खेल बाधित कर दिया, लेकिन लंच से पहले 16 ओवर के अंदर ही ताबड़तोड़ 4 विकेट झटक लिए थे और भारत अब जीत से 6 विकेट दूर रह गया था। लेकिन बारिश ने आगे का खेल होने नहीं दिया। बारिश के कारण खेल काफी देरी से शुरू हुआ, लेकिन लंच तक वेस्टइंडीज ने महज 48 रन पर अपने 4 विकेट गंवा लिए थे। लेकिन इसके बाद का खेल नहीं हो सका, जिसे 2 सत्र पूरे बेकार चले गए। वेस्टइंडीज को पारी की हार टालने के लिए अभी 256 रन और बनाने होंगे। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 500 रन पर उस समय घोषित कर दी। पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम 304 रन से पिछड़ी हुई है।